सोने और चांदी के मछली। रवि एक मछुआरा था जो कि अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और गरीब होने के कारण ना ही तो उनके पास अच्छे कपड़े थे और ना ही तो कोई अच्छा घर। उनके पास एक छोटा सा झोपड़ी था जिसमें कि दोनों किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे और खुशी से रह रहे थे। अगर मछलियाँ बिक जाती है तो दोनों पति पत्नी खाना खा लेते हैं और अगर मछलियाँ नहीं बिकती तो उन्हें भूखा पेट ही सोना पड़ता है। रवि सुबह सुबह ही नदी में मछली पकड़ने जाता लेकिन हर बार की तरह उसके पास एक या दो ही मछली आती थी। उसके पास मछली पकड़ने के लिए जाल नहीं था जिससे कि उसके पास ज्यादा मछलियाँ नहीं आती थी। उसके पास सिर्फ एक फिशिंग रॉड था और वो उससे ज्यादा मछलियाँ भी नहीं पकड़ पाता था। लेकिन उसकी पत्नी सुशीला रवि को कहती रहती कि उसे एक मछली पकड़ने वाला जाल खरीद लेना चाहिए, लेकिन पैसे ना होने के कारण रवि उस जाल को नहीं खरीद पाता था क्योंकि वो जाल थोड़ा महंगा आता था। लेकिन फिर भी वो हर रोज सोचता कि उसे वो जाल खरीद लेना चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन सुशीला बोलती है, कब तक आप इस फिशिंग रोड से ही मछलियाँ पकड़ेंगे? इससे एक ही मछली मिलती है और अगर आपके पास जाल होगा तो आपके पास बहुत सारे मछली आएंगे और जिसे बेचकर घर में पैसे भी अच्छे आएंगे। आपको सेठ से पैसे लेकर जाल खरीद लेना चाहिए। लेकिन हम उनसे पैसे लेकर उन्हें पैसे कैसे देंगे? मछलियाँ बेचकर हम मछलियाँ बेचेंगे और उन्हीं पैसों को हम सेठ को दे देंगे। वैसे तरकीब तो अच्छी है, मैं जाकर एक बार सेठ जी से बात करता हूँ। इसके बाद रवि सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं थोड़े समय बाद आपको लौटा दूंगा। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास एक फिशिंग रॉड है जिससे मैं ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक जाल खरीद लूं जिससे मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ पाऊंगा और आपके जल्द से जल्द पैसे मैं वापस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे, पर समय पर लौटा देना। ठीक है सेठ जी। जिसके बाद सेठ रवि को पैसे देता है और रवि खुशी खुशी उन पैसों को लेकर एक जाल खरीदने के लिए निकल जाता है। जाल खरीदकर वो घर आ जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ अब ज्यादा मछली आएगी और हमारी इस घर की हालत भी ठीक हो जाएगी, हमें समय पर खाना तो मिल ही जाएगा। हाँ लेकिन मुझे एक चिंता है, अगर मुझे ज्यादा मछलियाँ नहीं मिली तो मैं सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगा? आप ऐसा मत सोचिए, मछलियाँ जरूर आएंगी और बहुत सारे आएंगी। हम सेठ को भी पैसे दे देंगे और हम भी बहुत खुशी से रहेंगे। ऐसा कहकर सुशीला अपने पति को दिलासा देती है। अगले दिन रवि उस जाल को लेकर नदी की तरफ जाता है और जैसे ही वो जाल नदी में फेंकता है कि तभी वो देखता है कि जाल में सिर्फ दो ही मछलियाँ फंसी हुई है। ये देखकर उसका मन उदास हो जाता है और वो सोचता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, सेठ से पैसे उधार ले रखे हैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, सेठ जी से पैसे उधार ले रखे हैं और जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। फिर भी एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता दो चार मछली आ जाए। और ऐसा सोचकर रवि उस जाल को फिर से नदी में डालता है लेकिन इस बार भी उसमें एक ही मछली आती है। लेकिन इस बार वो सीधा उन मछलियों को लेकर घर गया और अपनी पत्नी से बोला, कोई फायदा नहीं हुआ सेठ जी से पैसे उधार लेकर, इस जाल में भी दो ही मछली फंसी है। आप हार मत मानिए, एक दिन जरूर आएगा, इस जाल में बहुत सारी मछली आएगी, आप निराश मत होइए। जिसके बाद रवि उन मछलियों को बेचने जाता है। मछलियाँ बेचकर उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो सब्जियाँ ले आता है और सुशीला खाना बनाने लगती है। अगले दिन रवि मछलियाँ पकड़ने जा ही रहा होता है तभी सुशीला कहती है, आपको अब उस नदी में नहीं जाना चाहिए, क्या पता उस नदी में मछलियाँ ही नहीं हो और हम फालतू में ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे किसी ने श्रापित नदी के बारे में बताया, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी मछलियाँ होगी। क्या श्रापित नदी? लेकिन क्या मुझे उसमें जाना चाहिए? हाँ आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान से जाना।
जिसके बाद रवि श्रापित नदी में चला जाता है और जैसे ही वो नदी में जाल डालता है उसमें भी एक ही मछली आती है। अब मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूं? बार बार जाल डालने से भी एक ही मछली फंसती है, एक मछली बेचकर क्या मिलेगा? जिसके बाद रवि उस एक मछली को बाजार में बेचने जाता है, लेकिन वहाँ पर जो भी आ रहा था वो यही कह रहा था, हम यह मछली नहीं लेंगे और तुम्हें भी यहाँ से भगा देंगे, यह श्रापित नदी की मछली है, इस मछली को कोई भी मत खाना और तुम यहाँ से निकल जाओ। और वहाँ पर जो भी आ रहा था वो इसी तरह की बातें बना रहा था। रवि का मन उदास हो गया और वो घर की तरफ निकल गया। अपने पति का उदास चेहरा देख सुशीला बोली, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? सुशीला, हमारी किस्मत खराब है, श्रापित नदी में भी मुझे एक ही मछली मिली और जब मैं उसे बाजार में बेचने गया तो किसी ने भी ये मछली नहीं खरीदी, सब कह रहे थे कि ये श्रापित नदी की मछली है और आज भी हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, हमें भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा, मैं इसी मछली को बना देती हूँ, थोड़ा पेट भर जाएगा। हाँ ठीक है, हम ये मछली बनाकर खा लेते हैं। सुशीला उस मछली को रसोई घर में लेकर जाती है और जैसे ही उस मछली को काटती है तभी वो देखती है कि उस मछली के अंदर सोने और चांदी के अंडे हैं। ये देख सुशीला हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अजी सुनते हो, जल्दी घर आइए, जल्दी आइए, ये देखिए मुझे क्या मिला, जल्दी आइए। अरे अरे क्या हो गया, इतनी तेज क्यों बोल रही हो? जिसके बाद रवि रसोई घर में जाता है और उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इस मछली में सोने और चांदी के अंडे कहाँ से आए? हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रही थी कि इसमें सोने और चांदी के अंडे कहाँ से आए। सुशीला मुझे लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान भी किसी को निराश नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने हमारी मदद की है। हाँ हाँ जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, अब हमारी किस्मत भी चमक गई है, अब हमें ऐसे भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ सुशीला तुम ठीक कह रही हो। और उस दिन से रवि अब रोज श्रापित नदी में जाता और वहाँ से एक मछलियाँ लेकर आता और हर मछली में सोने चांदी के अंडे होते और कुछ ही समय में वो दोनों अब अमीर हो जाते हैं। सुशीला का हर सपना भी पूरा हो जाता है, बड़ा घर, एक गाड़ी और घर में नौकर चाकर। लेकिन सुशीला के घर के पास ही एक औरत रहती थी जिसका नाम था रीना, और वो उनके इस तरह तरक्की देखकर रीना को बहुत जलन होने लगी और वो यही सोचने लगी, कैसे, आखिर कैसे इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जो उन्होंने तुरंत ही एक बड़ा घर, गाड़ी सब कुछ ले लिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। रीना को ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी लालच नहीं किया, उन्होंने सारे पैसे संभाल कर रखे थे ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। रवि अब अमीर होने के बावजूद भी उस श्रापित नदी में जाता और एक मछली लेकर उस श्रापित नदी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि अब उसकी जिंदगी में ऐसी ही खुशियां बनी रहे, कभी भी उसकी जिंदगी में तकलीफें नहीं आए। अब दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन रीना को पता नहीं चल रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, उसको अब ये जादू की तरह लगने लगा था और अब वो हर वक्त रवि और सुशीला पर नजर टिकाए रखती है कि वो इतना सारा पैसा कहाँ से ला रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे पता चल जाता है कि श्रापित नदी में से मछली ला रही है और उस मछली में सोने और चांदी के अंडे होते हैं। ये सोचकर अगले दिन वो भी उसी श्रापित नदी के पास जाती है और सोचती है, एक मछली से क्या होगा, मैं एक काम करती हूँ, इस नदी से सारा पानी निकाल लेती हूँ और फिर मैं सारी मछलियाँ अपने घर ले जाऊंगी और इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। और ऐसा सोचकर रीना उस नदी में से सारा पानी निकालने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है उसको पानी निकालते निकालते, लेकिन जब अंत में सारा पानी निकल जाता है तब वो देखती है कि उसमें एक भी मछली नहीं है। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही वो घर जाने लगती है उस नदी में पानी आने लगता है।
अरे अचानक से पानी कहाँ से आ गया, कोई बचाओ बचाओ, मैं इसमें डूब जाऊंगी, बचाओ। उसके बाद रीना बहुत मदद मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था जो रीना की मदद करता, और मदद ना मिलने के कारण वो उस नदी में डूब गई। और यहाँ जब दोनों पति पत्नी को ये पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर अब दोनों पति पत्नी खुशी से रह रहे थे।